वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मुरारी प्रभु ने बड़े ही सुंदर रूप में कि भगवान के जो कथाएं हैं उनकी महिमाओं के विषय में बता बड़े सुंदर रूप से विस्तार करके बताया। तो एक छोटा सा छोटी सी कथा है जो गुरु महाराज से एक बार श्रवण की थी कि भगवान की अगर कोई कथा गलती से भी श्रवण कर लेता है तो उसको क्या लाभ होता है। तो गुरु महाराज को हास प्रयास में कथा को बताते थे, कहते थे कि दो भाई थे धुंधकारी और गौकर्ण की तरह, उन इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी। तो एक जो भाई था वो भजन करता था, भक्त था, और जो दूसरा भाई था वो भजन भी नहीं करता था, और जो भजन करता था उसको बड़ी बाधाएं पहुंचाता था। तो उसने जाके बताया कि गुरु जी, मैं जब यहाँ कथा सुनने के लिए आता हूँ तो बड़ा भाई मुझको रोकता है, कमरे में बंद कर देता है, आने नहीं देता, बड़ी समस्याएं बड़ी परेशानियाँ खड़ी करता है। गुरु जी ने बोला, एक दिन एक काम करो, तुम अपने घर पर ही प्रोग्राम रखो, हम खुद आएंगे और अपने कुछ भक्तों को साथ लेके आएंगे, वो तो यहाँ आता नहीं है, तुमको उसकी चिंता भी है कि उसका कैसे होगा कल्याण होगा, तो हम खुद आएंगे वहाँ पर। तो गुरु जी क्या करते हैं, सारे भक्तों के साथ उनके घर पर पहुँच जाते हैं। जब घर पर पहुँच जाते हैं उस समय वो घर पर नहीं होता है। तो गुरु जी जब कथा कीर्तन करते हैं तो वो बाहर से आता है, जब देखता है कि अंदर ढोल मजीरे बज रहे हैं, कथा कीर्तन चल रहा है, तो बड़ा क्रोधित हो जाता है। अंदर जाता है, अपने भाई को जैसे पकड़ता है तो गुरु जी उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। वो उसने वो अपने भाई के हाथ को पकड़ता है, गुरु जी उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। तो बोलता है, मेरा हाथ छोड़ो। बोले, हम तेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे साथ बैठ, यहाँ कथा कीर्तन कर थोड़ी देर। तो उसको नहीं जाने देते, उसको घेर के जबरदस्ती बैठा लेते हैं। फिर वो जो भागने का प्रयास करता है तो गुरु जी उसका हाथ ही नहीं छोड़ते, कह रहे, नहीं मुझे जाने दो। बोले, चलो ठीक है, तुमको नहीं बैठना, मैं तुमको जाने दूंगा, लेकिन तुम पहले एक बार कृष्ण बोलो। तो बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मैं ये नाम लूंगा ही नहीं। बोले, जब तक तुम नाम नहीं लोगे मैं हाथ छोड़ूंगा ही नहीं। तो गुरु जी जिद करते हैं कि भाई कृष्ण नाम लो, तो वो गुस्से में आके कह देता है कि तुम कितना भी पीछे पड़ जाओ मैं तुम्हारा ये कृष्ण नाम लूंगा ही नहीं। जब वैसे बोलता है तो अनजाने में वो एक बार कृष्ण बोल देता है। तो गुरु जी बोल देते हैं कि चलो, इसी कृष्ण नाम से क्या हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो जब कल्याण होने के लिए जब इतना बोल देते हैं तो गुरुजी अपने शिष्यों के साथ वापिस आ जाते हैं कथा कीर्तन होने के बाद। कुछ समय बाद जब जैसे उसकी आयु बढ़ती है, वृद्धा होता है, तो उसका जब शरीर त्याग होता है तो यम के दूत उसको उठा के ले जाते हैं। और जब यम के दूत उठा के ले जाते हैं तो वहाँ पर फैसला होता है कि भाई बताओ, इसने कुछ अच्छा किया नहीं किया। यमराज पूछते हैं, भाई इसने जीवन में कुछ धर्म पुण्य का काम किया है या नहीं किया। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि बिल्कुल नहीं किया महाराज, बड़ा ही नास्तिक और पापी आत्मा है। तो यमराज बोलते हैं, भाई कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है, जरा ठीक से देखो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि किसी महात्मा के पकड़ने पर इसने जबरदस्ती, इच्छा ना होने पर भी उनको क्रोध करते हुए इसने एक बार कृष्ण बोल दिया था। तो यमराज बोलते हैं, अच्छा चलो, कृष्ण बोला तो सही, कथा में बैठा तो सही, एक बार कृष्ण बोला तो सही अपने मुख से। तो चलो, उसने एक बार कृष्ण बोल दिया तो चित्रगुप्त बताओ कि अब इसका क्या करना चाहिए, कि एक कृष्ण नाम बोलने से क्या होता है। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज, एक कृष्ण नाम बोलने से क्या होता है, इसका तो हिसाब नहीं है मेरे पास। तो महाराज बोलते हैं, तो फिर कैसे होगा भाई। तो फिर चित्रगुप्त बोलते हैं कि ये पृथ्वीलोक से आया है और पृथ्वी की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है, वहाँ क्या नियम है, भगवान क्या लीला करते हैं, क्या किसको वरदान दे के आते हैं, इसके विषय में तो ब्रह्मा जी सबसे अच्छे से बता सकते हैं। तो यमराज जी बोलते हैं, चलो ठीक है, ब्रह्मा जी से चल के प्रश्न करते हैं। तो चित्रगुप्त और यमराज जी और फिर उसको लेके ब्रह्मा जी के पास चल देते हैं अपने साथ। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि सामने से यमराज जी आ रहे हैं, और यमराज जी कौन है, ये द्वादश महाजनों में से एक हैं। तो जब चित्रगुप्त और यमराज जी दोनों चलते हुए आ रहे होते हैं तो ब्रह्मा जी उनको देख के खड़े हो जाते हैं कि आइए यमराज, क्या हुआ। तो बोलते हैं, महाराज एक पापी आत्मा है, लेकिन इसने क्रोध में आके गलती से कृष्ण का नाम ले दिया है, तो इसका क्या पुण्य मिलना चाहिए, इसकी क्या गति होनी चाहिए, इस विषय में कुछ बताइए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान के नाम की तो बड़ी महिमा है, लेकिन अगर कोई गलती से भी एक बार कृष्ण नाम ले देता है,
इच्छा ना होने पर भी तो इसका क्या फल होना चाहिए, इस विषय में तो मेरे को ठीक से जानकारी नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं फिर कैसे होगा, यमराज जी बोलते हैं फिर कैसे होगा, ब्रह्मा जी बोलते हैं हम शिव जी के पास चलते हैं, वो निरंतर भगवान का नाम गातन करते रहते हैं, उनको अच्छे से पता होना चाहिए, वो उनके निजजन हैं, प्रिय बंधु हैं, वो अच्छे से बता सकते हैं कि एक बार कृष्ण नाम लेने से क्या होगा। तो उनको लेके चल देते हैं, चलो उसके पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त और वो पापात पापी आत्मा, तो ये चारों लोग अब कहाँ जा रहे हैं, शिव जी के पास जा रहे हैं। जैसे ही शिव जी के पास पहुँचने वाले होते हैं तो जो उनके द्वारपाल होते हैं शिव जी, जो असुर होते हैं, वो ढोल नगाड़े लेके बैठे रहते हैं। तो बोलते हैं कि अंदर शिव जी से मिलना है, कि शिव जी से मिलना है, बताइए क्या काम है, एक पापी आया है उसको भगवान शिव जी से मिलवाना है। तो जैसे वो सुनते कि पापी आया है, असुर है, हाँ भगवान शिव जी से मिलना है, हाँ, तो वो ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर देते हैं। लगता है हमारे साथ का ही कोई आया है, हमको ज्वाइन करेगा। तो वो ढोल नगाड़े बजाते हुए जब शिव जी के पास जा रहे होते हैं तो शिव जी दूर से देखते हैं, अरे ब्रह्मा जी आ रहे हैं, यमराज जी आ रहे हैं। शिव जी खड़े हो जाते हैं, अरे बताइए बताइए कैसे आगमन हुआ। फिर शिव जी को सारा वृतांत बताते हैं कि ऐसे इस बार इसने क्रोध में नाम ले दिया था तो उसका क्या कल्याण होगा। तो बोले भाई इसने गलती से ले दिया, इस विषय में क्या होगा ये तो मैं भी ठीक से नहीं जानता। ऐसा करते हैं स्वयं कृष्ण के पास चलते हैं, भगवान के पास चलते हैं, वही बता देंगे कि उनका अगर कोई नाम गलती से भी ले लेता है तो क्या होता है। सब सारे मिलके वापस कृष्ण के पास चलते हैं। तो जब जाके सारा वृतांत भगवान को सुनाते हैं कि अरे आपका नाम इन्होंने एक बार गलती से ले लिया था, हम थोड़े संशय में हैं कि इसको क्या दें, कहीं ऐसा ना हो कुछ कम दे दें, तो क्या देना चाहिए। तो अगर आपका कोई एक बार नाम ले देता है गलती से भी तो उसकी क्या गति होनी चाहिए। तो भगवान हंसने लगते हैं। तो बोलते हैं भगवान आप क्यों हंस रहे हो। तो फिर भगवान बोलते हैं कि जिसने एक बार गलती से नाम ले दिया उसको लेकर के आप यमलोक से लेके पहले ब्रह्मलोक पहुँचे जहाँ ब्रह्मा जी निवास कर रहे हैं, उसके बाद कैलाश पहुँचे जहाँ शिव जी निवास कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद सारे भक्त लोग मिलके मेरे पास लेके आ गए, इसका इतना सौभाग्य उदय हो गया कि ये सारे स्थानों को पार करते करते मेरे पास आ गया, और फिर भी आप पूछ रहे हो कि मेरा एक नाम लेने से। तो श्री चैतन्य चरितामृत में भी स्वयं भगवान इस चीज़ की घोषणा करते हैं चैतन्य महाप्रभु कि यदि कोई एक बार भी मेरा नाम लेता है तो उसकी क्या गति होती है। तो कहते हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, कि ये जो एक कृष्ण नाम है वो क्या सक्षम है, वो सारे पापों को नाश करने में सक्षम है। प्रेमेर कारण भक्ति करे ना प्रकाश, और वही एक कृष्ण नाम जो सारे पापों को नाश कर देता है वही क्या करता है, प्रेमेर कारण भक्ति करे ना प्रकाश, उसी एक कृष्ण नाम से क्या होते हैं, जीव के हृदय में प्रेम भक्ति का उदय होता है। अनायास भवशय कृष्ण र सेवन, और बिनी किसी प्रयास के उसी एक कृष्ण नाम से उसका क्या हो जाता है, सारा भव बंधन नाश हो जाता है, और किसकी प्राप्ति होती है, कृष्ण सेवन, साक्षात कृष्ण की सेवा प्राप्ति होती है। एक कृष्ण नाम फले पाई तो धन, और जो केवल एक कृष्ण नाम लेता है उसको एक कृष्ण नाम के फले बदले इतना फल मिलता है। तो मेरा तैयार तो कुछ और करके आया था, ठीक से पूरा था नहीं, इसलिए मैंने केवल ये बोल दिया, कल मैं इसको ठीक से बोलूँगा। वांछा कल्पद्रुभ्यस्य कृपा सिंधु भय बचा पतिदानं पावन स्वयं। हरि बोल, हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम
मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कपिल देव अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने अंतिम में हरिनाम संकीर्तन की उन्होंने महिमा उन्होंने बताई। बोले जिसको आज जिह्वा की अग्रदेश में एक बार भी भगवान का नाम किसी तरह से उच्चारण हो जाए, कहते ना एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे पापी रो साध्य नहीं तत्तो पाप करे। इसलिए एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति है, हाँ एक कृष्ण नाम इतने पाप को नष्ट कर देती है। कहते पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके, इतने नाम की महिमा। इसलिए इसकी महिमा को सुनते सुनते कल हम सुन रहे थे जब श्री महाप्रभु के पास में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आए और दांत में त्रिनिका को दबाते हुए महाप्रभु का चरण में प्रणाम करते हुए बोले नीच जाति नीच कर्म। प्रभु हमने नीच जात में जन्म हुए, नीच कर्म, ये मुसलमान की अधीन में रहते हुए हमने ये राज कार्य किया, हम तो बड़ा निकृष्ट है। महाप्रभु बोले नहीं तुम नीच नहीं तुम सर्वोत्तम। बोले क्यों? बोले तुम्हारे जिह्वा में हर समय क्या हो रहा है, तुम्हारा जिह्वा हर समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले दिज्य नासी है तो तुम्हें परम पावन, इसलिए तुम्हें दिज्य और ब्राह्मण और तुम्हें सन्यासी से भी तुम्हें सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? भगवान का नाम को उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु का नाम उच्चारण करते हैं साधारण उनको नहीं समझनी चाहिए, बड़े भाग्य से कोई प्रभु का नाम को कोई ग्रहण करते। इसलिए कल भगवान ने नाम की महिमा को उन्होंने बताया। बोले भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तप अप्राणश्चैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। इसलिए कहते भगवत भक्ति हीना, अगर किसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं बोले उसका जाति है तप स्तप उसका सब कुछ बेकार हो जाता है। हैं जाति शास्त्र जब अप्राणश्चैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम, जैसे किसी शरीर में प्राण नहीं लेकिन उसको शरीर को पूरा शरीर को सोने चांदी जवाहरातों से उसका शरीर को श्रृंगार करो। बोले भैया क्या महत्व है, वो तो शरीर में प्राण नहीं है। कहते उसी तरह अगर जीवन में भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन जीवन में तुम्हारी अंदर में है सारे गुण लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं, वो सब के सब बेकार है। लेकिन अगर तुम्हारी अंदर में कोई भी गुण नहीं, कोई भी तुम्हारी अंदर में गुण नहीं लेकिन कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे श्रीधर नाम सुने होंगे हैं, कला बचा श्रीधर है हैं, तो कोई गुण नहीं लेकिन एक ही गुण है ठाकुर की चरण में भक्ति। सबरी क्या गुण बताओ, कोई गुण नहीं लेकिन भगवान की चरण में उसकी प्रेम है। इसलिए कहते उसका अंदर में जिसको अंदर में भगवत भक्ति जस्यास्ते भगवत भक्ति अकिंचनात् सर्वगुणस्तत्र समासते सुरा हराव अभक्त सकुत महत गुणात्। इसलिए जिसके अंदर में भगवत भक्ति आ जाए उसके अंदर में अपनी आप कहते और कोई गुण की अर्जन करने का जरूरत नहीं, और जितने सारे सद्गुण अपनी आप उसके अंदर में सब देवता को साथ में सारे सद्गुण आकर के अपने आप विद्यमान हो जाता है। इसलिए हमें एक चेष्टा करनी चाहिए ठाकुर जी के चरण में गुरु वैष्णव के चरण में हमारी भक्ति हो जाए। बस भक्ति हो जाएगा तो देखो हमारे परमानंद प्रभु को जब कथा सुनाते हैं ABCD आ भी लेख सीखे नहीं, हाँ आ भी नहीं सीखे, हाँ एक दो भी सीखना
लेकिन कथा सुन करके देखो कैसी कथा सुनाते हैं। और देखो रात को कोई किसके अंदर में इतना हिम्मत है रात में 2 बजे उठ करके स्नान करके 2:30 बजे कोई आ सकता है उस परिक्रमा में? बताओ कौन कौन है जो कि जितना बजे भले ही सोए कि जी हाँ भाग गई ना। हाँ इसलिए कोई जा नहीं सकते हैं जिसको इतना हिम्मत नहीं होगा। कोई कोई तो जैसे 4 बजे अलार्म 3:30 बजे लगा देते हैं, लगा कर अगर बजता है ना फिर बंद कर देते हैं, फिर अगर फिर थोड़ी देर बाद बजता है फिर बंद कर देते हैं, 4 बजने पर फिर बंद कर देते हैं। और 4:30 बजे आरती होगी बाद 10 मिनट पहले उठ फटाफट ब्रश करके आरती में आ जाते हैं 4 बजे भी। हर कोई व्यक्ति भले ही जितने बजे मेरे घर में आते हैं सेवा करके आते हैं, पता नहीं सोते सोते 10:30-11 बजता होगा हैं, आ करके भले ही जितने बजे सोए लेकिन 2 बजे उठ जाते हैं। ये इतना आसानी बात नहीं हैं। हाँ दिन में भी हैं हरिनाम करते रहते हैं, कहते मेरे को नींद नहीं आती है, कहते मेरे को नींद नहीं आती है। हाँ गुड़ा केस इसलिए नहीं 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 इसका मतलब है ना, अगर हृदय में प्रभु का भक्ति अगर प्रेम आ जाए ना, कहते ये सारे गुण अपने आप हृदय में, ये सारे गुण अपने आप हृदय में आ जाती हैं सारे गुण। इसलिए एक गुण लाओ भगवान की भक्ति और भगवान की प्रेम। इसलिए यहाँ पर भगवान स्वयं अपना भक्ति, इसलिए भगवत भक्ति अगर आ जाए तो क्या होगा, सारे गुण आ जाएंगे, सारे गुण अपने आप तुम्हारे अंदर में आएगी। इसलिए और कतमत भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कलमसम, अगर मेरी भक्ति किसको हृदय में आ जाए कहते उसका जितने दुर्जाति है वो सारे दुर्जातियों को ये नष्ट कर देता है और ये निकृष्ट व्यक्ति को ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ बना देती, जगत में उसको ये सर्वश्रेष्ठ बना देती है भक्ति की इतने महिमा। इसलिए ठाकुर जी अपना मुंह से उन्होंने भक्ति की महिमा और भगवत नाम का महिमा उन्होंने अपना मुंह से वर्णना की। मुंह से वर्णना करते हुए जब श्री मैत्रेय हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को बोले, बोले दक्ष प्रजापति की तो तेरे कन्या उसके जो सबसे छोटी कन्या थी सबसे सुंदरी जो मृगन मृगनयनी सबसे सुंदरी जो थी सती, उन्होंने श्री भोले बाबा को साथ में शादी करवाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है लेकिन उन्होंने जवानी अवस्था में ही उन्होंने प्राण को त्याग दी। इतने में विदुर जी प्रश्न करते हैं जवानी अवस्था में क्यों त्याग दी? बोले कारण है ससुर और दामाद में लड़ाई हो गई हैं, शंकर जी में और सिद्ध दक्ष प्रजापति में लड़ाई हो गई। जब उन्होंने ये बात को बताए बोले शंकर जी और दक्ष प्रजापति में लड़ाई? बोले हाँ। बोले क्यों? तब उन्होंने बताए ये जो शंकर जी है ये साधारण शंकर जी नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी, जोगी जोगी महायोगी देव देव महादेव शंकर जी, और सत्यम शिवम सुंदरम और ये वैष्णवा नाम यथा संभो, कहती ये वैष्णव में श्री शंकर जी और गगरण्य श्री शंकर जी है हैं। कहते जो वैष्णव होते हैं कहते यहाँ पर कहते हैं महादेव कौन है, कहते चर और अचर का गुरु है, इसलिए शंकर जी जगत गुरु शंकर जी। इसलिए इनसे एक संप्रदाय निकला, कौन सा संप्रदाय? विष्णु स्नामी संप्रदाय का ये मूल प्रवर्तक है आचार्य जी ने, ये उनके मूल प्रवर्तक जहां से ये विष्णु स्वामी संप्रदाय निकला है शंकर जी। इसलिए सबका गुरु ये भोले बाबा है शंकर जी। और शंकर जी कद जिनके अंदर में शत्रु और मित्र का कोई ज्ञान नहीं होता है और हर समय शंकर जी को प्रशांत मूर्ति, प्रशांत मूर्ति। देखो शंकर जी को कहीं भी आप देखो शंकर जी को एकदम ध्यान में बैठे हुए देखोगे, एकदम गंभीर है गंभीर शंकर जी। और क्या है कहते उनको विशेष करके इनकी जो रति है कहते वासुदेव का प्रति भगवान के प्रति शंकर जी की विशेष निष्ठा है। इसलिए कहते हैं इसलिए शंकर जी के बगैर कोई लीला ही नहीं हुई ठाकुर जी की, कोई लीला नहीं हुई, हर लीला में शंकर जी। राम रूप में ठाकुर जी आए तो कहते रुद्र देह तेज नेहवस बानर भय हनुमान, जब शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर से ठाकुर को कोई सेवा नहीं हो पाएगा, उनने प्रेम में बसीभूत होकर के बंदर बन करके आए शंकर जी, बंदर बन करके हनुमान जी आए। इसलिए बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना,
राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए इन्होंने कितने प्रभु की, उन्होंने कितने सेवा की। और कृष्ण कृष्ण अवतार में आए तो शंकर जी यहाँ पर गोपेश्वर महादेव रूप में, और ब्रजमंडल में देखो 12 शंकर है। ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ शंकर जी है ही नहीं। गोवर्धन में चले जाओ चकलेश्वर महादेव, और श्री काम्यवन में चले जाओ कामेश्वर महादेव, वृंदावन में आ जाओ गोपेश्वर और बनखनी महादेव है, और मथुरा में चले जाओ, अरे बहुत वहाँ तो बहुत है, भूतेश्वर, रंगेश्वर, पिपल मोचन, गोकर्णेश्वर, वहाँ पर तो महादेव महादेव है, महादेव महादेव है। इसलिए शंकर जी बगैर ठाकुर कोई लीला नहीं हुई। फिर महाप्रभु लीला में जब आए, यहाँ जब महाप्रभु को लीला में आए, शंकर जी अद्वैत आचार्य बन करके आए। इसलिए कहते हैं ना, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा भले पाई चैतन्य निताय। इसलिए जिनकी है, इसलिए महाप्रभु आने का कारण में एक मुख्य कारण श्री अद्वैत आचार्य, मुख्य में ये गौण कारण श्री अद्वैत आचार्य स्वयं, जिनकी वजह से। इसलिए इनका एक नाम है गौरव आना ठाकुर, जिन्होंने जगत में महाप्रभु कई साक्षात जगत में उन्होंने प्रकटित कर दिया, इतने शंकर जी। इसलिए यहाँ पर श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी को, बोले चर अचर का गुरु शंकर जी स्वयं, और इनकी विशेष करके भगवान के प्रति, वासुदेव का प्रति शंकर जी की बड़ी निष्ठा है। जब शंकर जी समाधि में बैठते हैं ना, कल्प कल्प तक इनकी समाधि लग जाती है, हम तो एक मिनट भी बैठ नहीं पाते हैं। अगर गौर को बोला हरिनाम करने के लिए, बैठेगा किसी तरह से कष्ट से, मतलब थोड़ी सी नजर वैष्णव का जाए ना, फट निकल जाए कहीं, हाँ गिलहरी। इसलिए कहते, लेकिन इस शंकर जी की जब ध्यान लगता है ना, कल्प कल्प तक शंकर जी की ध्यान टूटती नहीं। ऐसे प्रभु की जी की भजन में शंकर जी, ऐसे भजन में शंकर जी डूब जाते हैं। इसलिए यहाँ प्रश्न करते हैं, फिर द्वेष, ये दक्ष प्रजापति शंकर जी को उन्होंने द्वेष क्यों किया है? ये शंकर जी कौन है, चराचर का ये गुरु है, द्वेष क्यों किया? तब इसका कारण बताएं। बोले जिस समय ब्रह्मा जी ये दक्ष को उन्होंने प्रजापति पद में नियुक्त करते हैं, हैं दक्ष प्रजापति पद में नियुक्त हुए, बोले भैया प्रभुता पाई का मद नाई। जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसको कोई पोजीशन आसन मिल जाए उसका अंदर में घमंड नहीं आएगा? इसलिए कुंती क्या कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान मदपमान। कहते प्रभु ये चार व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेंगे, ज्यादा पैसा मिल जाए, ज्यादा क्वालिफिकेशन आ जाए, ज्यादा सुंदर हो जाए और थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो जाए ना, धरा को सरा मानना शुरू कर देते हैं। इसलिए बोले का मद नाई, मतलब क्या है, ऐसे कौन जगत में व्यक्ति है जिसके अंदर में प्रभुता आ जाए और उसका अंदर में अभिमान नहीं आएगा, मतलब आएगा ही, घमंड आएगा। हाँ, केवल केवल जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, भजन करते हैं ठाकुर का आशीर्वाद से, केवल उन्हीं के अंदर में ही ये अभिमान नहीं आता है, क्योंकि उनको अपर में ठाकुर जी की आशीर्वाद, ठाकुर जी की कृपा, जितने गुण रहते हुए भी हैं उनके अंदर में, जितने गुण रहते हुए भी, हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज थे, सोच नहीं सकते, वो प्रेसिडेंट थे। जब कोई व्यक्ति इनके पास में आता था ना कोई काम पूछने के लिए, बोले जाओ नारायण महाराज के पास में जाओ, वो हमारे गार्जियन हैं, उनके पास में जाओ। जब दीक्षा मंत्र जाने जाते थे, कहते थे हमें आदेश दो ये पाप कर्म करने के लिए जाओ, और इनको कोई बात पूछो क्या करनी चाहिए, बोले मेरे को पता नहीं, नारायण महाराज। मतलब जिनको अंदर में ये प्रेसिडेंट होते हुए भी देखो कितना अंदर, कितना दीनता इनके अंदर में, कितने दीनहीन भाव इनके अंदर में है। इसलिए कहते ये महा, इसलिए कहते जिस समय उसको प्रजापति पद में नियुक्त किया, इतना अभिमान हो गया। अभी प्रयाग में हो रहा था कुंभ मेला, कुंभ मेला में सारे देवता लोग आए हुए थे, सारे देवता लोग आए हुए थे। जब देवता लोग आए हुए थे, इतने में वहां पर शंकर जी ब्रह्मा भी आए हुए थे। इतने में ये दक्ष प्रजापति ये जान बुझ करके ना उसने लास्ट में गए, बोले क्यों, बोले जब मैं जाऊंगा सबके सब खड़े हो गए, अरे
दक्ष प्रजापति आ रहे, सब खड़े खड़े मेरे को स्वागत करेंगे। वो बदमाशी करके जान बुझ करके उन्होंने एकदम लास्ट में आए। जब लास्ट में आए अभी दक्ष प्रजापति, प्रजापति पद में नियुक्त, अभी देख कर सबके सब खड़े हो गए, सब देवता लोग खड़े होकर स्वागत किया। लेकिन ऐसे नहीं, भैया कौन किया नहीं किया उसको नहीं, वो देख रहे था ये कौन खड़ा हुआ और कौन खड़ा नहीं हो रहा है, मैं आ रहा हूँ कौन खड़ा हो रहा है कौन खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन देखा सबके सब खड़े हुए थे, लेकिन उसमें दो व्यक्ति केवल खड़े नहीं हुए, एक में तो श्री ब्रह्मा जी और दूसरे में श्री भोले बाबा, केवल ये दो व्यक्ति उसमें खड़े नहीं हुए थे। अभी दक्ष प्रजापति देख करके बोले ठीक है, ये पितामह ब्रह्मा ये हमारे पिता लगते हैं, हो गया, इसलिए ये पिता लगते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारे पिताजी है, खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं। लेकिन ये भोले बाबा शंकर जी ये तो मेरे दामाद लगता है, और दामाद एक तरह से क्या होता है, पिता, दामाद पिता होता है, और ये मेरे को देख करके खड़ा तक भी नहीं हुआ है। इतने में उनको इतना क्रोध आया, हे शंकर जी को गाली के ऊपर गाली देना शुरू कर दिया, है गाली के ऊपर गाली देना शुरू कर दिया। बोले देखो ये शंकर जी को यहाँ पर दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, ये मत समझो मैं ईर्षा पूर्वक इसको बता रहा हूं, ये बात नहीं, मैं ईर्षा करके नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा ना ये साधु पथ मार्गों को ये अपवित्र करने वाली ये व्यक्ति है, हैं, इसलिए कहते बोले अयंतो लोक लोकपालानाम जसग्नो निरपत्र सद्भीर आरचित पंथा जन स्तब्धेन दूषितम। कभी जो साधु मार्ग को ये दूषित करने वाले ये व्यक्ति है, मैं ईर्षा द्वेष पूर्वक नहीं कर रहा हूं, मैं सही सही ये बात बता रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को अगर दंड नहीं दिया जाए तो जगत में क्या फैलेगा, अशांति जगत में है, मर्यादा हानि नष्ट हो जाएगा। ऐसे शंकर जी को गाली देने लग गए। जब गाली देने लग गए अभी यहां प्रश्न होता है, भैया दक्ष प्रजापति आए तुम्हारे पिताजी लगते हैं, अगर तुम एक बार खड़े हो जाते तो उसमें बुराई क्या था, खड़े हो जाते ना उसमें क्या हो गया, एक बार खड़ी तो हो जाते, सम्मान दे देते तो इतना गड़बड़ी होता ही नहीं, तो क्यों खड़े नहीं हुए। तब यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दो कारण कहते हैं खड़े नहीं होने का। पहला कारण बताए शंकर जी महाभागवत है, कहते महाभागवत का लक्षण क्या है, कहते सर्वभूतेषु जपस्यत भगवत भावात्मन, कहते हर जीव में जो भगवान को दर्शन करता है और भगवान में जो सारा दुनिया को भगवान में दर्शन करता है, ये महाभागवत का लक्षण। शंकर जी ये महाभागवत है, इसलिए ये महाभागवत होने का नाते ये कौन दक्ष, बोले किस चीज में ये दक्ष, ये फोन किसका है, इसलिए कहते दक्ष है, बोले ये किस चीज में ये दक्ष है, बोले ये सृष्टि करने में ये दक्ष है, हैं, भक्ति में दक्ष नहीं है, वो सृष्टि करने में भी दक्ष है, भक्ति में दक्ष नहीं, इसलिए ये दक्ष होने का नाते ये शरीर को सृष्टि करने में वो दक्ष है, इसलिए जो केवल स्थूलदर्शी जो सूक्ष्मदर्शी नहीं। इसलिए शंकर जी सभी का हृदय में जो भगवत दर्शन करते हैं, इसलिए दक्ष प्रजापति का हृदय में उन्होंने भगवान को दर्शन किया, भगवान को दर्शन करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। जब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, लेकिन ये दक्ष प्रजापति शंकर जी की महिमा को ये नहीं समझे, नहीं समझ करके शंकर जी को गाली दिया, ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है, कहते ये बैठे हुए थे समाधि में, शंकर जी की भी कहीं देखो, शंकर जी को तुम कहीं देखो, शंकर जी कैसे बैठते हैं, एकदम एकदम समाधि में बैठे हुए रहते हैं। कहते ये समाधि में जो बैठे हुए थे, ये समाधि के अधीन नहीं, ये समाधि के अधीन नहीं, ये अधीन, ये समाधि के अधीन है, समाधि इनके अधीन नहीं, ये समाधि की अधीन, मतलब जब ये भक्ति में बैठ करके जब आनंद लेते हैं भक्ति में, वो भक्ति में इतने डूब जाते हैं, भगवत भक्ति में एकदम उसमें उनकी इतने मस्ती, इतने आनंद भक्ति में आते हैं, उनको ये शरीर का हुदहुद इनकी नहीं रहती है, नहीं रहने का नाते वो सम्मान नहीं कर पाए, क्यों भगवत भक्ति में बैठे हुए थे। उसका तीसरा कारण कहते हैं नहीं उठकर सम्मान करने का, उन्होंने जो समाधि में बैठे हुए थे, किसकी समाधि में बैठे हुए थे, किसकी समाधि में,
ये भगवान की समाधि में बैठे हुए थे, भगवत चिंता में बैठे हुए थे। जब भगवत चिंता में ये बैठे हुए थे उसी समय में हैं, कहते उसी समय में कितना जथा तरोर मूलम निसेचन न त्रिप्यन्ति तत् स्कंध भुज उपसखा प्राणोपहाराश यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहरण अच्युतैया। जैसे वृक्ष का जड़ में पानी देने से फिर और कहीं पानी देने का जरूरत नहीं, उसको शाखा उपसखा क्या होता है, वो अपनी आप उसकी शाखा उपसखा पल्लवित रहता है जड़ में पानी देने से है। इसलिए उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करते हैं कहते प्राण उपहाराश्च जथेन्द्रियाणाम, जैसे भोजन करने से हाँ पेट में अगर भोजन दे दिया फिर हमें आंखों में अलग करके दाल भात देने का जरूरत नहीं, कानों में दाल भात कोई थोड़ी देते हैं, कहाँ पर देते हैं, वो पेट में। जैसे पेट में भोजन देने से सारी इंद्रियां सब काम करता है, अलग रूप में कोई किसी इंद्रियों में देने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्राणो उपहारास जथन इंद्रिया नाम कहते, उसी तरह तब यहाँ पर किसी ने उदाहरण कोई उदाहरण कोई कोई देते हैं, जैसे कोई मुंह में भोजन देने से सब इंद्रिय तृप्त हो गया, दूसरा उदाहरण क्या दिया वृक्ष का जड़ में पानी देने से क्या हो गया पूरा वृक्ष का हरा भरा हो जाते हैं। लेकिन देखना कभी कभी माली वो जड़ में भी पानी देता है और पेड़ का ऊपर में भी पानी सिंचन करता है, थोड़ा 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 पेड़ के ऊपर में भी पानी को सिंचन करता है और जड़ में भी पानी देता है। अगर कोई बोले हम भगवान कृष्ण को भी भक्ति करेंगे और थोड़ी थोड़ी इधर जो देवा देवी है ना उनको भी थोड़ा पूजा कर लेंगे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हैं, दूसरे दूसरे देवा देवी को भी थोड़ा 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 भजन कर देंगे, उनको भी भक्ति कर लेंगे और कृष्ण भक्ति भी कर देंगे। इसलिए फिर उनने उदाहरण दूसरा उदाहरण देकर बोले नहीं, मना कर दिया, बोले नहीं, जैसे मुंह में आहार देने से तुम्हें और किसी इंद्रियों में आहार देने का जरूरत नहीं, जैसे मुंह से देने से भोजन तुम्हारी इंद्रियों सारे इंद्रियों तुम्हारी सतेज हो जाती है, सारे इंद्रिय काम करते, बोले तथैव सर्व अहरण अच्युतैया, सारे देवता जिनकी पूजा करते हैं कहते भगवान कृष्ण को भक्ति करने से सभी का भक्ति हो जाता है, तुम्हें अलग करके और किसी देवा देवी के भजन करने का कोई जरूरत नहीं, मना कर दिया यहाँ पर है, मना कर दिया एकनिष्ठ हो करके। इसलिए हम कल सुन रहे थे ना, एकनिष्ठ नहीं होने से भगवत भक्ति नहीं होता है, भक्ति एकनिष्ठ होनी चाहिए, बहुनिष्ठ से भगवत भक्ति नहीं होता है। कृष्ण तो पहले से ही टेढ़े है, कृष्ण पहले से ही टेढ़े है, हैं, इसलिए अगर हम इधर उधर देवादेवी भजन करेंगे ना, जैसे द्रौपदी, जब द्रौपदी को द्रौपदी ने कृष्ण को पूछा, बोले कृष्ण जब भरी सभा में मेरी लाज जा रही थी मैंने आपको बड़े देर से पुकार रही थी, अब आने में इतना देर क्यों किया, बोले द्रौपदी तुम सही बताओ, बोले सही मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, बोले तुमने मेरे को एक बार ही हृदय से पुकारा तब मैंने आ गया, बोले प्रभु कैसे बोल रहे हो, दुशासन जब से मेरे को अपना घर से पकड़ करके खींचते हुए ला रहा था तब से मैंने आपको याद कर रहा था, बोले तुम सही सही बता रहे हो, बोले झूठ क्या बोल रहे हो, बोले द्रौपदी ये बताओ जिस समय ये दुशासन तेरे पास में पहुंचा उस समय तू क्या सोच रही थी, बोले ये मेरा क्या कर लेगा, मेरे पांच पांच पति, इसका अगर एक पति बड़े नाम पान हो ना बड़े पद में हो ना वो छाती फुला कर चलती है, और जिसकी पांच पांच पति हो और सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कौन हो भीमसेन, सर्वश्रेष्ठ गांधीधारी अर्जुन हो, सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में युधिष्ठिर तलवार युद्ध में हैं, एक एक से बढ़ करके हो तो बताओ कितना अभिमान नहीं होगा, बोले तू क्या सोच रही थी मेरे पांच पांच पति मेरा क्या कर लेगा, इसलिए द्रौपदी में आधा रास्ता पर आया था तेरे को रक्षा करने के लिए लेकिन वहां से वापस गया, बोले क्यों, बोले जब तुमको पकड़ करके लाए तुम अपना पति को तरफ में देख रही थी तो कुछ बोलेंगे, मैंने देखा जब तुम्हारी पति तुमको रक्षा करने वाले फिर बीच में मैं क्यों आऊं, इसलिए मैंने वापस गया, बोले द्रौपदी और थोड़ा नजदीक में भी आया था फिर वापस गया, बोले क्यों, बोले तुमने जब देखा ये कोई बोल नहीं रहे, तुमने देखा यहाँ पर हमारे पितामह भीष्म बैठ गए, अगर एक बोली इनके मुंह से निकल जाए ना बंद करो, किसका हिम्मत नहीं था उसकी वस्त्र में हाथ देने का, तुम सोच रही थी कुछ बोलेंगे कुलवधू में हो,
यहाँ पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और यहाँ पर धृतराष्ट्र, यहाँ पर सबके एक से एक बड़े बैठे हुए, मैं कुलवध थोड़ी मेरे को विवस्त्र करने देंगे, सोच रही थी कि नहीं? बोले हाँ प्रभु मैं सोच रही थी। बोले द्रौपदी मैंने जब देखा तुमको इतने सब लोग रक्षा करने वाले, वापस गया। बोले द्रौपदी एकदम नजदीक में आकर के वापस गया। बोले क्यों? बोले जब ये कोई भी तेरे को रक्षा नहीं किए, तुमने क्या कर रही थी? तुम सही सही बताओ। लास्ट में तू ये सोच रही थी मैं वीर रमणी अजो नि संभवा अग्नि कुंड से मेरी प्रकट हुई है, है खेतराणी, मैं अपने आप को लाज बचा सकती हो। साड़ी को एक हाथ से जोर करके पकड़ रखी थी। बोले हाँ, और दांतों को नीचे साड़ी को तू दबा करके रखी थी, मैं स्वयं को स्वयं रक्षा कर लूंगी। बोले द्रौपदी जब तू स्वयं स्वयं रक्षा कर सकती हो, फिर मैं बीच में क्यों आता? इसलिए मैंने वापस गया। लेकिन जब देखा पांच पांच पति भी कोई काम में नहीं आए, हमारे गुरुवर्ग कोई काम में नहीं आए, मैं भी स्वयं कोई काम में नहीं आ रहा हूं, फिर तो तुमने दोनों हाथ को उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तीवन हरी, जब तुमने दोनों भुजाओं को उठा करके मेरे को पुकारा, बास में स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गया। सारा दुनिया देखते रह गए, नारी बीच कोई साड़ी ना साड़ी की कोई नारी बनी हुई है। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई है। इसलिए यहां पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, शंकर जी खड़े होकर के उनने क्यों उनको स्वागत नहीं किया था? बोले कारण, ये सब कारण था, लेकिन शंकर जी की इतनी दूरदृष्टि, शंकर जी की इतनी दूरदृष्टि जो ये है महाभागवत का जो लक्षण, लेकिन दक्ष प्रजापति ने ये चीज को उन्होंने समझ नहीं पाया। समझ नहीं पाने का वजह से उन्होंने शंकर जी को गाली दिया, लेकिन उन्होंने जब गाली दिया 3-4 श्लोक में गाली दिया, लेकिन शंकर जी के अंदर में ये सब अपगुण कहाँ हो सकती है? इसलिए जो सुधा सरस्वती पूरा उल्टा व्याख्या कर दी, पूरा इस श्लोकों को बड़ी सुंदर उन्होंने व्याख्या किया है, हैं? जब उन्होंने जो श्लोक जो बताया, कहते ये निर्लज है, ये निर्लज बहया चुपचाप बैठ रहा यहाँ पर और मेरे को थोड़ा सम्मान नहीं दिया, इसलिए यह अपना यथोचित कर्तव्य से विमुख हो गया, साधुगण का आचरित पथा पंथागुण ने दूषित कर दिया। तब सुधा सरस्वती कहती है, बोले साधुओं को पथ को दूषित नहीं किया, उसको ने सुशिष्ट कर दिया, उसको साधु को पथा को उन्होंने चमका दिया है, जगत में उज्जवल कर दिया, उनने दूषित नहीं किया साधुओं का चरित्र को। अतएव कहते लोकपाल गण का जसो को विनष्ट किया, विनष्ट नहीं किया लोकपालों को, जसों को उनने जस को उन्होंने बढ़ा दिया। उनने संस्कृत टीका में बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने ये बात को उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। फिर उन्होंने बताया, बोले गृहीत्वा मृगसा वाख्या पाणी मरकट लोचन प्रत्यथाभि अभिबाध हे बाच्यप्रकृत नोचितम। क्या कह रहे हैं? कहते देखो देखो तो सही है, कैसे बंदर जैसे आंखें, बंदर का जैसे लाल लाल होता है ना, बंदर जैसे आंखें जैसे लाल लाल करके भांग ददुरा खा कर कैसे बैठा हुआ है, हाँ इसका आग कितने बंदर जैसे आग। और मेरी जो बेटी है, कहते मेरी बेटी कैसे, बोले मृग साबाख्या, मतलब जो छोटी हिरण, छोटी हिरण का आंख देखना बड़ी सुंदर है, बड़ा चंचल है। इसलिए राधा रानी का आंख पर भी उदाहरण दिया मृग नयनी, जो मृग नयनी है ये बड़ी सुंदर बता, स्त्री जिसकी की आंख जैसे मृग जैसे, बड़ा सुंदर उनको बताया। कहते मेरी बेटी को देखो कितने सुंदरी मृग नयनी, कितने सुंदरी मेरी बेटी, और लेकिन इसका इसको देखो कैसे ये मरकट बंदर जैसे आंखें हैं, ये क्या हुआ? बोले प्रत्युत्थाना भी बाद है, मैं आने पर भी थोड़ी सी भी खड़े होकर के मेरे को ये सम्मान नहीं कर पाए, इसलिए बाच्य अपि नोचितम। कहते इसमें मैंने की उनको दिया बेटी, कहते मैं देना नहीं जा रहा था, ये ब्रह्मा जी बोले इनको दो, इसलिए मैं अपना इतने सुंदरी बेटी को मैं कभी भी इसको मैं देना नहीं चाह रहा था, ये बंदर वाले इसको श्मशान में रहने वाले हैं, श्मशान भूत पिशाच को साथ में रहता है, सारा शरीर में धदुर, सारा शरीर में राख, श्मशान का राख मला हुआ, हड्डी की माला पहन करके इसको कोई इतना सुंदरी बेटी में देना चाहता था? इतनी सुंदरी देना ही नहीं चाह रहा था, ये ब्रह्मा जी बोले। लेकिन यहाँ विश्वनाथ चौटी का कह रहे हैं, लेकिन
अपना पिताजी को हम पिता बोलते हैं ना, पिताजी को पिता बोलकर संबोधन करते हैं। पिताजी का कभी नाम लेते हो? कभी पिताजी बोलते हैं, लेकिन ये पिताजी नहीं बोलकर क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा। मतलब पिताजी को भी ये अपमान कर रहा है, पिताजी को पिता नहीं बोल करके ब्रह्मा नाम से उसको पुकार रहे। इसका मतलब है ये ब्रह्मा जो काम किया ना, अच्छा काम नहीं किया है, ये ब्रह्मा भी गलती की है। अरे मेरे को बोल दिए तुम अपना बेटी को इसको प्रदान करो, पिताजी भी सही काम नहीं किया हमारी, ये ब्रह्मा भी सही ना काम नहीं की है, इनको बोलने पर मैंने अपना बेटी को हमने इसको दे करके बहुत हमने बुरा काम किया है, है? जब उन्होंने जो गाली दिया थोड़ी सी भी उठा ही नहीं। फिर यहाँ पर श्री सुधा सरस्वती फिर उसको व्याख्या करते हैं, उन क्या बताया, मरकट लोचन, बंदर जैसे आंखें। यहाँ पर कहते हैं बोले मरकटान मरकट तुल्यान कामिन्यापि कृपया लोचते तत्कामानं संपादयति। सुधा सरस्वती कहती है, कहते नहीं कामिन जैसे, अब बंदर का बड़े कामी है ना, देखना बड़े कामी बंदर जी हैं, बंदर इतने इनके अंदर में काम है, इतने काम है सोच भी नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पर कहते नहीं जिनको अंदर में ऐसे काम है, शंकर जी की अगर किसको ऊपर में कृपा हो जाए ना क्या हो जाता है, ऐसे जो कामी व्यक्ति का जीवन भी शंकर जी बदला देते हैं शंकर जी की कृपा से, हैं शंकर जी कृपा से वो कामी व्यक्ति भी बदल जाती है, ये मरकट जैसे ये कामी नहीं है। इसलिए कहते ये भूत प्रेत को द्वारा रहते हैं, पागल जैसे हाँ उन्माद जैसे नंगे रहते हैं ये, हाँ कभी रोदन करते हैं, कभी हास्य करते हैं, कभी केस को बिखार करके चलते हैं। कहते ये किसके लक्षण हैं? जब सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे उस समय सुखदेव गोस्वामी कैसे जा रहे थे? कृष्ण प्रेम को लेकर कभी रो रहे हैं, कृष्ण नाम लेकर कभी हंस रहे हैं। इसलिए एकादश स्कंध में बताया ना, बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुत चीत उच्च हसत्यथ रोद तिरौती है। यहाँ पर ये महाभागवत का लक्षण है, कभी क्या करते हैं, कभी हैं कभी हंसने लग जाते, बोले क्यों हंसते हैं, बोले प्रभु की जो मधुर मधुर लीला करते तभी हंसते हैं, कभी नृत्य करते हैं बोले क्यों, कभी रोते हैं बोले क्यों रोते हैं, बोले कृष्ण का हृदय से जब लीला उनके अंतर ध्यान हो जाता है तभी रोते हैं, कभी नृत्य करते हैं कभी बोले क्यों नृत्य करते हैं, फिर जब कृष्ण दर्शन देते हैं नृत्य करते हैं। इसलिए शंकर जी हैं, शंकर जी का जो नृत्य और जो पागल जैसे जो बेस है वो कृष्ण प्रेम में है, कृष्ण प्रेम में है। इसलिए शंकर जी शरीर में राखों क्यों मलते हैं, अच्छे कोई राख नहीं कहाँ के, शमशान के। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये जो लक्षण है ना, पहले पहले साधु लोगों को देखना शरीर में कोई कपड़े नहीं धारण करते थे, अभी तो हम लोग कपड़े पहनते पहले धारण नहीं करते थे, शरीर में राख मल देते थे, बोले कपड़ा कहाँ मिलेगा, अब देखना ठंडी का समय में राख को शरीर में लगा लो कोई ठंडी नहीं लगेगा। पहले साधु थे धुन जमा कर बैठते थे ना, धुन लगा करके बैठ जाते थे, उसको पास में बैठ कर पहले ही भजन करते थे, पहले कहाँ ये सब मकान होता था, एसी रूम होता था, पहले कहाँ ये सब फैन होता था, होता था थोड़ी, साधु लोग बस साधु लोग धुन रमा देते थे बैठ करके, पास वहीं पर बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर जो शंकर जी को उन्होंने जो गाली दे रहे ना, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इतने सुंदर सुंदर उन्हें भाव बताए, बोले ये शंकर जी के अंदर में ये जितने गुण हैं ये सब के सब महाभागवत का लक्षण है, ये सब के सब ये महाभागवत का लक्षण है। हाँ शरीर में राग क्यों मलते हैं, दुनिया को सिखा देते हैं, जिस शरीर को इतने क्रीम और ब्यूटी पार्लर में लेकर के सजाते हो, इसका परिणाम क्या है, एक दिन दो मुठी राख है और कुछ नहीं। इसलिए भैया शरीर में इतना आसक्ति मत रखा करो, दिन भर शरीर को सजाने में मत रहा करो, जितना समय सजाने में लगा तो उतना समय भगवान की भजने में लगाओ, भगवान का नाम जप करो। इसलिए शंकर जी गले में मुंडक की माला है, बोले क्यों मुंडक की माला, कह रहे थे ना सती जब सबसे शरीर छोड़ती है, बता रहे थे ना गले में उन्होंने मुंडक की माला पहन लेते, बोले क्यों, बोले पार्वती परम भक्त है, कथा सुनती है,
बस दुनिया को शिक्षा देते हैं, शरीर का परिणाम क्या है, दो मुठी राख है, धदुरे के फूल चढ़ाते हैं। बोले क्यों, ये बढ़िया बढ़िया फूल क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? कर जितने बढ़िया बढ़िया फूल तो बेली चमेली ये सबके सब मेरे प्रभु की सेवा में, कृष्ण सेवा में लगेगा, इसलिए ठाकुर जी इसलिए कल अगर मैं ग्रहण करूंगा तो दुनिया तो ला करके मेरे सर पर चढ़ाएगा है। कहते ये चंदन क्यों नहीं लगाते हैं? बोले कारण है, बोले चंदन तो मेरे प्रभु राम कृष्ण महाप्रभु सेवा के लिए। कहते अगर मैं चंदन लू ना, देखना जितने शंकर जी के भक्त होते वो सबके सारे चंदन कृष्ण सेवा में नहीं लगाते, सबके से बोले शंकर जी के सर पर डालते। इसलिए उन्होंने इसलिए यहाँ पर कहते हैं, हाँ यहाँ पर कह रहे हैं वो जितने सब उन्होंने गाली दिया है ना, हैं कहते तम तमात्मकात्मना नाम, कहते जितने तम गुण का गुण है, बोले नहीं जितने भूत पिशाच को दुनिया में कौन ग्रहण करता है, लेकिन भूत पिशाच इतने पतितों को अगर कोई स्वीकार किया, किसने किया? भोले बाबा ने स्वीकार किया है। दुनिया में जिसको किसने स्वीकार नहीं किया उसको शंकर जी उनको स्वीकार किया है। इसलिए उन्होंने जो गाली दिया है ना, इतने सुंदर उन्होंने व्याख्या किया विश्वनाथ ठाकुर, मैं तो पूरा नहीं बोल पाया, एक एक शब्द को व्याख्या करते हैं। शंकर जी के ऊपर में कभी ये दोष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शंकर जी महाभागवत है, ये परम वैष्णव श्री भोले बाबा, बोले श्री भोले बाबा की। इसलिए यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे, फिर हम कल सुनेंगे, फिर कैसे दोनों के अंदर में कैसे साफा सा भी होने लग गया, नंदी और भृगु दोनों के अंदर में कैसे साफा सा भी हो रही। वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु भगवच पिता नाम पावने भो।